हमने एक ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन का ऐप तैयार किया है। उस ऐप का नाम है स्वराज्य आयुर्वेदिक ऐप। स्वराज्य आयुर्वेदिक ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उधर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक फ्री ऐप है, फ्री कंसल्टेशन का ऐप है। इसके ज़रिए आप मुझे कभी भी कोई भी प्रश्न एलोपैथिक औषधि आयुर्वेदिक औषधि के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपके परिजन, आपके फैमिली में भी कोई बीमार हो तो बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में तुरंत ही जवाब दूंगा। तो आज हम देखेंगे कि जो आजकल की सबसे ज़्यादा समस्या कौन सी है, वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के मतलब बच्चा न होना, इसे बोली भाषा में बांझपन भी कहा जाता है। तो बांझपन के कारण जो होते हैं कि सबसे ज़्यादा कारण किस में पाए जाते हैं, तो स्त्रियों में भी जो है कि उसके बराबर कारण पाए जाते हैं और पुरुषों में भी बराबर कारण पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चा न होने के लिए पुरुष भी उतना ही जिम्मेदार है और स्त्रियां भी उतनी ही जिम्मेदार है। तो जो पुरुषों में कारण होते हैं बांझपन के, बच्चा न होने के लिए पुरुषों में कारण होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कारण होता है शुक्राणु की कमी और मोटिलिटी कमी, शुक्राणु की मोटिलिटी कमी, पुरुष बीज कम होना। और पुरुष बीज अगर कम होता होगा तो बच्चा कैसे होगा, ये तो सरासर है। तो अब हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या खाना चाहिए, खान पान कैसा रखना चाहिए जिससे स्पर्म काउंट बढ़े, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़े, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, इसी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या दूर हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे, 9 ऐसे खाद्य पदार्थ देखेंगे जिसे खाने से बांझपन पुरुषों में दूर हो सकता है। सबसे पहला है अनार। अनार जो अनार पर स्टडी हुआ है, तुर्की में स्टडी हुआ है, उसके मुताबिक यह पाया गया है कि अनार जो होता है स्पर्म काउंट और स्पर्म मोबिलिटी बढ़ाने में काम आता है। रोज एक गिलास जो होता है कि अगर अनार का जूस पीकर पीना चाहिए, उससे क्या होता है कि फर्टिलिटी बढ़ती है। दूसरा क्या है कि टमाटर। टमाटर में क्या पाया जाता है कि कंटेंट होता है लाइकोपेन। लाइकोपेन क्या करता है कि स्पर्म की जो एक्टिवनेस है उसे बढ़ाता है। टमाटर को अगर ऑलिव ऑयल में मिलाकर तलकर अगर खाया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तीसरा क्या है कि डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट जो होते हैं उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड से क्या होता है कि स्पर्म की संख्या बढ़ जाती है। तो स्पर्म की संख्या अगर बढ़ेगी तो फर्टिलिटी के लिए भी तो अच्छा होगा ना। और डार्क चॉकलेट जितना डार्क होगा उतना ही वो अच्छा माना जाता है। उसके बाद क्या होता है कि केला। केला जो होता है कि केला रोज एक खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। उसमें पोटेशियम भी पाया जाता है और उसके साथ ब्रोमेलिन, उसमें ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम होता है और विटामिन B12 होता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टैमिना और एनर्जी बढ़ती है। उसके बाद है लहसुन। लहसुन में क्या पाया जाता है कि इलिसिन नामक कंटेंट पाया जाता है। ये क्या करता है कि पुरुषों के जो जननेन्द्रिय होते हैं उसके आजू बाजू में ब्लड फ्लो ज़्यादा पैदा करता है। इसका मतलब क्या है, अगर ब्लड फ्लो होगा तो सीमेन काउंट ज़्यादा होगा। सीमेन की जो ग्लूकोज, स्पर्म जिंदा रहने के लिए क्या होता है कि ग्लूकोज होना उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा तो उतनी देर तक स्पर्म ज़्यादा जिंदा रह सकेंगे। और इलिसिन से क्या होता है कि, यानी कि लहसुन खाने से, कि वो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है। तो रोज़ एक या दो पंखुड़ियाँ चबाकर खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। उसके बाद है अंडा। अंडे में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, प्रोटीन के साथ साथ इसमें विटामिन ई भी होती है। तो यह पूरे शरीर को न्यूट्रिशन पैदा कर, न्यूट्रिशन देता है। और न्यूट्रिशन जैसा बढ़ेगा तो स्पर्म तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे, उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है। उसके बाद अखरोट। अखरोट भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। उसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म की मोबिलिटी पर अच्छा असर पड़ता है। रोज़ अगर 10 ग्राम भी अखरोट खाए तो भी चल सकता है। उसके बाद आता है कि गाजर। गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आप गाजर कच्चा खा सकते हैं तो कच्चा खाइए, या फिर गाजर का जूस भी पी सकते हैं, या फिर सलाद में गाजर को हमेशा ही मिक्स करें और हर रोज़ गाजर का सेवन करें, या फिर 2-3 दिन में भी आप सेवन कर सकते हैं। लास्ट का घटक कौन सा है कि पालक। पालक में फोलिक एसिड सबसे ज़्यादा होती है।
और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म तैयार होते हैं, उसके प्रोसेस में फॉलिक एसिड सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो रोज पालक खाना अगर हो सके तो रोज खा सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो आप 2-3 दिन में भी पालक खा सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आप आपके खाने में करिए। जो ऊपर जो मैंने 9 पदार्थ बताए हैं, अगर आप खाएंगे के तो आपका 99% चांसेस है कि इनफर्टिलिटी आपकी दूर हो जाएगी, स्पर्म काउंट अच्छा हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अंडा जो है ये आप रोज ही खाइए, उसके साथ केला भी आप खा सकते हैं। लेकिन दूसरा जो है ऊपर के बाकी के साथ जो बताए हैं मैंने, कि वे थोड़ा थोड़ा कर कर कभी कभार खा सकते हैं। आज अगर आप अनार करेंगे तो कल लहसुन भी आप रोज खा सकते हैं। लहसुन, केला और अंडा रोज खा सकते हैं। और बाकी का जो है आज थोड़ा कल थोड़ा, आज एक पदार्थ कल दूसरा पदार्थ, ऐसा करके आप खा सकते हैं। तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा।